नमस्कार, मैं हूं अमीश देव। देख इसका फोन है। हेलो। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस समय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गोदी मीडिया वर्सेस रवीश कुमार। तो पहले क्लिप में हम देखेंगे जब कंगना रनौत ने आजादी का विवादित बयान दिया था, एक और गोदी मीडिया उसको खुलकर क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर रवीश कुमार अपने प्राइम टीवी के दौरान कैसे कंगना और कई लोग जो ऐसे बयान देते हैं उन सब का सच लोगों को बताया। आज हम बात करेंगे पद्मश्री से सम्मानित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की और उनके एक बयान की। 1947 में मिली स्वतंत्रता भीख में मिली, ये उनका बयान। इसके बाद वो विवादों में घिर गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी तो 1947 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार यानी एक्सटेंशन थी। लेकिन प्रश्न यहां ये है, क्या कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए या फिर उनका यह बयान उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में है। पद्म पुरस्कार प्राप्त कंगना रनौत का बयान पहले से समाज में पहुंचाए जा चुके अनेक बयानों को मंच देने भर के जैसा था। जो बातें अंदर अंदर पहुंचाई जा चुकी है उसके औपचारिक रूप दिए जाने का परीक्षण अब शुरू हो चुका है। यही वो बातें हैं जिन्हें आप चर्चा योग्य नहीं मानते, जवाब देने लायक नहीं मानते। आपके ऐसा मानने या नहीं मानने से अलग यह प्रक्रिया चलती चली जा रही है। इस तरह की दलीलें हमें पहले भी कई बार सुनने को मिली हैं, खासकर जब हम महंगाई के सपोर्टर सीरीज के लिए महंगाई के सपोर्टरों की दलीलें सुनते हैं। यही सब बातें निकल कर आती हैं कि आजादी अब मिली है, अब आजाद है। इस आजादी को धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के नाम पर लोगों के बीच घुसाया जा रहा है, ताकि इसके बाद 1947 से पहले की आजादी और उसके शानदार संघर्षों को अपमानित कर पीछे धकेला जा सके। यह काम राजनीति के हिसाब से मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ऐसा करने वालों को पता है कि लोगों के भीतर कुछ नफरती पूर्वाग्रह होते हैं, विचार होते हैं, कम जानकारियां होती हैं उनके पास। उनके भीतर तरह तरह के नए पूर्वाग्रह और नई जानकारियों के नाम पर झूठ खेल दिए जाते हैं। इस तरह से करोड़ों लोगों को तैयार कर दिया जाता है ऐसी बातों पर ताली बजाने के लिए। इसी मुद्दे पर जब बाकी गोदी चैनल्स अपने चैनलों की टीआरपी के लिए अलग अलग डिबेट और शोज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें देश से क्या लेना देना, उनका टीआरपी आना चाहिए, वहीं दूसरी ओर प्राइम पत्रकार रवीश कुमार इन सबका कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे। हमारे देश को आज के समय में ऐसे पत्रकारों की बहुत जरूरत है जो सच को सच बोलते हैं। वो कंगना रनौत जो है अपने घर संस्कार स्कूल बिल छोड़ के भागी हुई बेटी है, जिसको कोई संस्कार नहीं है और जो घर से भाग कर सिनेमा में गई थी नाम कमाने, सिनेमा में ऐसी शोहरत नहीं मिलती। उन्होंने उन्होंने अरे आप चुप बैठी है, चुप बैठी है, चुप बैठी है। बिगड़ी हुई बेटी को स्वतंत्रता के आंदोलन में आपको दुख नहीं है, कंगना के ऊपर आपको दुख हो रही है, शर्म करो आप लोग, जरा शर्म। विद्या जी, सबसे पहले तो आपका स्टेटमेंट इतना शर्मनाक था। आप एक देश की लड़की को, देश की बेटी को जो कि पद्मश्री अवार्डेड है, उसको आप बिगड़ी हुई बेटी कह रहे। आपने पाल पोस के बड़ा किया है क्या कंगना को? सब लोग कंगना के स्टेटमेंट को एक नेगेटिव वे में ले रहे हैं, आप एक गलत रूप में मत लीजिए। उनका कहने का मतलब ये था कि आजादी का एहसास अब हुआ है और जायज सी बात है, हो रहा है अब आजादी का एहसास। जब से मोदी जी आए हैं, जब से हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किया प्रधानमंत्री ने। इस तरह की बात पहले भी अलग अलग रूपों में कही जा चुकी है, कंगना ने ही पहली बार नहीं कही। कई साल से अलग अलग माध्यमों से इस तरह की बातें जनता के बीच पहुंचाई जा रही हैं। व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक पर ऐसी सामग्रियों की भरमार है जिनमें लतीफों और भद्दी गालियों का सहारा लिया जाता है और आजादी के आंदोलन को नकारा जाता है। आप व्यक्ति और बयान दोनों को इस राजनीतिक समर्थन से अलग नहीं कर सकते। यह समर्थन ना होता तो किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना रनौत को पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता, ना ही ऐसे शख्स को जो अदालत में तब हाजिर होती हैं जब गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की फटकार मिलती है, जिनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सरकार ने दिया तो कुछ सोच कर दिया होगा ताकि वो जो बोल रही हैं बोलती रहे, आराम से बोलती रहे कि आजादी भीख में मिली थी और 2014 में असली आजादी मिली थी। और अंत में मैं
सिर्फ एक बात पूछती हूँ गौरव सावंत जी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा हटके पत्रकार मानती थी एटलीस्ट आज तक, जब वहां के एंकर ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मुझे ज्यादा दुख वहां के एंकर पर हुआ था, क्योंकि एक अभिनेत्री ने सिरफिरी है वो इस तरह की बातें करती है, पहले भी करती आई है, वो बोल सकती थी, लेकिन एंकर को उसका विरोध करना चाहिए था। तब टाइम्स नाउ चैनल ने बयान जारी किया है कि वो कंगना के बयान का समर्थन नहीं करता है बल्कि इसे अपमान मानता है। दिल्ली में कुछ नहीं होगा, यह बात एंकरा ने हौसला बढ़ाने के लिए भी कही और यह जताने के लिए कि दिल्ली का समर्थन है। अगर आपको इस बात में जरा भी संदेह है तो कुछ पुरानी घटनाओं को देख लीजिए। जिस तरह अगले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे नोटबंदी के ऊपर गोदी मीडिया अपनी दोगला नीति और चाटुकारिता करती रही, वहीं दूसरी ओर कैसे रवीश कुमार रूलिंग पार्टी और हमारी सरकार की फेल्ड नीतियों और कार्यों पर प्रश्न करते गए। आप भी देखें इस क्लिप में रवीश कुमार किस अंदाज में नोटबंदी का हाल बयान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जिसके तहत भारत में नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और आप में से बहुत सारे लोग उस रात को 8 बजे जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था उसे आज तक आप भूल नहीं पाए होंगे। उस दिन वो टीवी पर आए थे और उन्होंने कहा कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं, और शायद उनका वो राष्ट्र के नाम संदेश देश के लोग आज तक नहीं भूले होंगे। सब कुछ विश्वास पर छोड़ दिया गया, विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के साथ था। उन्होंने कह दिया कि 50 दिन चाहिए, तो लोगों को लगा कि 50 दिन देकर देख लेते हैं फैसला सही है या गलत। इसकी जगह गोदी मीडिया और जनता ने मान लिया कि प्रधानमंत्री का फैसला है तो सही ही है, उन पर विश्वास किया जाए। कितनी भावुकता थी उस वक्त के बयानों में, नाटकीयता सब कुछ इस पर था कि मुझ पर यकीन कीजिए। रोना धोना सब जोड़ा गया जैसे देश सास भी कभी बहुत ही देख रहा, तथ्यों पर जोर ही नहीं था। लाइन में खड़े लोग भी नोटबंदी को सही बताने लगे इस उम्मीद में कि भ्रष्टाचार और कालाधन करीब करीब समाप्त हो जाएगा। ऐसी बातों पर केवल विश्वास के आधार पर विश्वास किया गया। इसी मुद्दे पर अगले क्लिप्स में भी हम सुधीर चौधरी और रवीश कुमार की पत्रकारिता के उच्च उदाहरण देखेंगे कि कैसे एक हमारे गोदी मीडिया सिर्फ सरकार की वाही वाही करते हैं और दूसरी ओर रवीश कुमार जैसे पत्रकार हमारे देश की मीडिया की इज्जत बचाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा, यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी GPS का इस्तेमाल है, अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके। आपके कानों में आज भी गूंजते होंगे और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे, जबकि सरकार इस दिन को एंटी ब्लैक मनी डे के रूप में मनाने वाली है। आज नोटबंदी जयंती है, ये पहली जयंती है जिसकी पहली जयंती तो धूमधाम से मनी, लेकिन पांचवी जयंती नहीं मनाई गई। अखबारों में किसी तरह का विज्ञापन नहीं आया, इन 5 सालों में नोटबंदी की कोई मूर्ति भी नहीं बनी और ना ही नोटबंदी दिवस मनाने का ऐलान हुआ। किसी को पता नहीं था कि अगले 50 दिनों तक हर आम आदमी को बैंकों के बाहर लाइन में लगना होगा। सभी का काम धंधा बंद हो गया, लोगों के हाथ में कैश नहीं था, कई दिनों तक लोग भूखे रहे और इलाज का खर्चा ना दे पाने के कारण कई लोग मर भी गए। पूरी अर्थव्यवस्था उन 50 दिनों के लिए ठप हो गई। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे जब एक व्यक्ति ने गौमूत्र और गोबर के ऊपर फेसबुक पोस्टिंग की कि इन चीजों से कोरोना ठीक नहीं हो सकता तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, और रवीश कुमार ने कैसे इस चीज का पुरजोर विरोध किया और हम सबको चेतावनी दी कि ध्यान रखें आप क्या बोलते और क्या पोस्ट करते हैं वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। एक एक कर हम बताते रहेंगे क्या क्या छुपाया गया। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर के एक्टिविस्ट लिचोबेम एरेंड्रो को फेसबुक पर पोस्ट करने के कारण 13 मई को गिरफ्तार किया गया। 17 मई को लोकल कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन तभी जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा दिया। एरेंड्रो ने इतना लिखा कि गोबर या गोमूत्र से कोविड का इलाज नहीं, पुलिस आ गई जेल ले गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एरेंड्रो को तुरंत रिहा किया जाए,
आप नागरिक कुछ मत बोले, चुप रहिएगा। केवल व्हाट्सएप में जो वो भेज रहे हैं वही फॉरवर्ड करते रहिए। लोकतंत्र का क्या है, खत्म हो जाए तो होने दीजिए। पहले खुद को जेल जाने से बचाइए, डरे रहिए, मरे रहिए। इस तरह से आपके चुप्पे और आपका डर उस लोकतंत्र को सत्यानाश के करीब ले जाएगी जिसके लिए लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मार चोट दिए भैया जी आप तो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप जनता से क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपके लिए खबर लिखने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी हो? अगर अखबार का दाम देकर पत्रकारों के नाम पर गुलामों की लिखी खबर पढ़नी है तो आप अखबार क्यों खरीद रहे हैं? क्या आप उस पैसे को मंदिर निर्माण के चंदे में नहीं दे सकते? देखा, धर्म की बात की है मैंने, पुण्य मिलेगा, लोकतंत्र का सत्यानाश भी हो जाएगा और मंदिर भी भव्य बनेगा। एक पंथ दो काज, आइडिया अच्छा है या नहीं? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.